हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे बेहतरीन टॉपिक्स क्लास टेंथ मैथ का, जो आपको सर्किल चैप्टर है, ब्रिज चैप्टर का वीवीआई थ्योरम्स है, वीवीआई प्रमेयस है। तो ध्यान देंगे वो कौन सा क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। क्वेश्चन का नाम क्या है कि अगर आप एक सर्किल लेते हैं और सर्किल के यानी कि बाहरी बिंदु है ना, सर्किल के बाहर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्किल पर टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो आप जानते हैं पहले से भी कि किसी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से बाह बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? दो रेखाएं। तो कह रहा है कि जो बाह बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो आपस में लंबाई उनकी समान होती है, उनका लेंथ जो होता है सेम साइज का होता है, इसको प्रूव करना है। तो यही क्वेश्चन है और ध्यान देंगे कैसे इसको प्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? समान होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, एक वृत्त हो गया, और ये आपका ले लिया सेंटर, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल पॉइंट। इसे हम दो स्पर्श रेखाएं इस सर्किल पर खींचते हैं, ठीक है। मान लिया ये आपको है ए, ये आपको है बी, एक क्या है आपको पी, ठीक है, और एक क्या है आपको सेंटर ओ है, ठीक है। तो एक बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट जिसको पी कहेंगे, तो पी से सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन, दो स्पर्श रेखा ए बी और बी पी खींची गई है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको प्रूफ कर देना है कि ए बी की जो साइज है किसके बराबर है, बी पी के, चाहे बी पी की जो साइज है किसके बराबर है, ए पी के। यानी इसका मतलब है कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है, आपस में बराबर होती है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया सर्किल का। अब हम लिखेंगे यहाँ पर हल। माना कि ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। मान लिया कि ओ सेंटर वाला क्या है, एक सर्किल है जिसके बाह बिंदु कहाँ से, पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट लाइंस, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन, एक एपी और दूसरा बीपी, एपी और बीपी, बीपी एपी और बीपी खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि क्या करना है जी, सिद्ध करना है कि क्या ए पी बराबर है बी पी के, ठीक है। यही आपको प्रूफ कर देना है कि ए पी जो साइज है टेंजेंट बी पी के क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम करेंगे रचना, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, रचना करेंगे। रचना में क्या करते हैं, इस ओ सेंटर से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और इस ओ सेंटर से इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। आप चीज़ ध्यान देंगे, सेंटर से जो टेंजेंट लाइन जा रहा है, सेंटर से जो रेडियस जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और सेम इसी को हमने क्या किया, इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ओ ए ओ बी तथा ओ पी को मिलाया। कंस्ट्रक्शन में हमने यही ना किया कि ओ ए ओ से लेकर ए को, ओ ए ओ बी, यहाँ पर इसको ए यहाँ पर ले तो और अच्छा रहेगा, है ना, ओ ए ओ बी और ओ पी को हमने क्या किया, मिला लिया,
ठीक है। अब देखिए, जब हमने मिलाया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ओ ए पी और दूसरा ओ बी पी। इस ओ को क्यों नहीं यहाँ पर डायरेक्टली दें, ओ ए पी ओ बी पी, दो ट्रायंगल बन रहा है। यस बन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए ये आपको त्रिभुज ओ ए पी है, एक त्रिभुज ओ बी पी है। तो चलते हैं प्रमाण में, लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज बी ओ पी में ओ ए बराबर है ओ बी के, क्यों जी वृत्त की त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या रेडियस जो क्या होता है बराबर होता है आपस में। त्रिभुज ओ ए पी त्रिभुज ओ बी पी में जाते हैं तो यहाँ पर ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, चूंकि ये दोनों क्या है वृत्त की रेडियस है, वृत्त की क्या है त्रिज्या है, बराबर है। अब हमने बताया कि सेंटर से जो रेडियस खींचा जाता है टेंजेंट पॉइंट पर वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये भी एक प्रकार का थ्योरम है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का थ्योरम है कि अगर सेंटर से होकर जो जाने वाला जो रेडियस है वह टेंजेंट पॉइंट पर जाता है तो जिस पॉइंट पर मतलब कह सकते हैं कि लाइज करता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ओ ए पी एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से एक दूसरे क्या है बराबर है। और ध्यान देंगे ओ ए पी ओ बी पी या ओ पी जो लेंथ है, ओ पी जो है दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, दिख रहा है ना, ओ पी ओ ए पी वाला त्रिभुज में आ रहा है और ओ बी पी वाला में भी आ रहा है। तो लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ पी के, ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ पी के। कैसे ध्यान देंगे, किस साइड से बराबर हुआ, राइट है ना, आर ए एच है ना, आर एच एस कह सकते हैं, आर एच एस राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट मतलब एक 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज मतलब कि एक क्या कह सकते हैं, एक आपको कर्ण कह सकते हैं और साइड मतलब एक साइड कह सकते हैं, है ना। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट मतलब एक 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज मतलब एक कर्ण और एस मतलब एक साइड, बराबर हो गया। क्यों, चूँकि यहाँ पर आपको दे रहा है तीनों साइड आपको, दो साइड एक एंगल, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत कोण संगत भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर। तो जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, कंग्रुएंसी हो गया है ना, कंग्रुएंस हो गया, कंग्रुएंट हो गया, तो इसका कोरोस्पोंडिंग ए हो रहा है, तो लिखेंगे ए पी बराबर बी पी और यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यही आपको हो गया प्रूफ है ना। तो ऐसे इसको आप सिद्ध करेंगे, आपको 5 नंबर पर का मिलेगा। तो वीडियो कितना अच्छा लगा लाइक कर देंगे, और अभी तक तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और अपने अपने फ्रेंड्स में जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और ध्यान देंगे, अगर आप अभी तक थेल्स पर में पाइथागोरस पर में पाइथागोरस का पर में विलोम थेल्स का विलोम अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 10th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनवा है ना, 10th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनवा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।